Dumnezeu, Bărbat, care le ne... देखो भाई संसार अपना नहीं और संसार प्यारा नहीं लोग बात हो जाए अब भगवान की जगह संसार आकर बैठ गया शरीर है या कुटुंब है वो अच्छा लगता है प्यारा लगता है भगवान की प्यारा लगना की भक्ति नहीं मिलती वो कब प्यारा लगेगा कभी शरीर है कभी मान है कभी बड़ाई है कभी आलस्य है कभी प्रमाद है कभी भोग है कभी संग्रह है तो भगवान कहाँ गड़ी मिलेगी भगवान आने के लिए दरवाजा बन रहा है मीरा बाई ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई मेरे तो फिर भी लोग कहो दूसरों को ही यहाँ आ जाते हैं की बात दूसरा भी अपना हो जाते हैं तो भगवान एक सदस्य हो जाते हैं जैसे दुनिया में सदस्य अलग अलग यूं भगवान भी एक अपना सदस्य है अनन्य चेता सतम योगां स्मृति नित्य सत्य हम स्वरूप भगवान स्वरूप होता है अनन्य से था अनन्य भाव अन्य कोई अपना नहीं है सो प्रिय जाके गति न आन की एक बाण करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आन की और कोई जगह नहीं है जैसे जल जहाज का कौवा होता है उड़ उड़ा भूमि कुमार बचे कहाँ बचे ऐसे जिसको दूसरी कहीं थोर न मिले किसी जगह जिसका मन जावे ही नहीं एक भगवान की सिवाय सब कर ममता ताग मटोरी मोहपद मन ही बांध बल डोरी ये जो अपने न जननी जनक बंधु सूत्रधारा तन धन भवन सूर्य परिवार सबकर ममता था सबकी ममता है वो छूटे तो भगवान में इसलिए उपाय एक बड़ा सीधा सरल है अगर काम में लोग कहीं भी सुख का आराम का लाभ का लोभ का काम पड़े तो ये दूसरों को आराम मिले दूसरों का हित हो जाए दूसरों का कल्याण हो जाए अगर ये भाव बैठ जाए तो ये सोच कार्य सिद्धि ये होती है अपने स्वार्थ का अपने अभिमान का अपने पक्षपात का त्याग होगा और यही बाधक है ये बाधक दूर हो जाएगी अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य का त्याग तो भगवान ही मीठे लगे भगवान ही अपने लगे तो दूजा कोई मीठा नहीं लगे दूजो किसी की कोई गलत नहीं सबको सुख पहुंचाना है सबका हित करना है तो सबका हित कर दूंगा ये नहीं अपने स्वार्थ बुद्धि का त्याग करना है वो त्याग होने पर स्वतः ही उसका कल्याण होगा स्वाभाविक होगा तो कुटुंब में रहते हुए ये बहुत कल्याण है कि मेरे सिवाय माँ बाप स्त्री पुत्र भाई भतीजा हो जाए उसको हमारा सुख दो नंबर का अपना आराम दो नंबर का एक नंबर का आराम है सबके लिए ये अगर भीतर से हो जाए शुरू तो भगवान में लगने लग जाए ये बाधा क्या है स्वार्थ बुद्धि है ना ये बाधा है अपने अहम बुद्धि है स्वार्थ बुद्धि है ये बुद्धि बाधक है इस बुद्धि को दूर करना है विचार द्वारा क्रोध ज्ञान योग हो जाएगा
भगवान के यहां से तो भक्ति योग हो जाएगा और दूसरों के हित के लिए कर्म योग हो जाएगा और अपने लिए करो तो अपने जन्म मरण योग हो जाएगा। जन्म और मरो अपनी वस्तु अपना बल अपनी बुद्धि अपनी योग्यता सबके हित में लगाना है। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग करना है। नारायण 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 सुनाऊंगा।